राजकुमार रावत. प्लीज सर अनम्यूट योर सेल्फ फॉर शेयरिंग. जी नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद. आज के इस सुनहरे मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी भाइयों का, सभी बहनों का और सभी बिजनेस पार्टनर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. आप सबको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आज अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में, अपने परिवार के साथ रहकर एक जोश और जुनून के साथ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं. इसी तरीके से मुझे भी यह बिजनेस सुनने का, सीखने का और देखने का सुनहरा मौका मिला. लेकिन उससे पहले अगर मैं बताना चाहूँ मैम, तो मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और आज इस सिस्टम के माध्यम से ऑल इंडिया डेवलप करने का मौका मिला और मैं गुजरात अहमदाबाद में ही रहता हूँ 2004 से, यानी कि मुझे आज 19 साल रनिंग हो गया है और 19 साल में से मुझे 3 साल प्लस हो गया है यस बीज में काम करते हुए. और यस बीज ने हमें जो दिया है बीते 3 साल में, बीते 15 सालों में वह सब कुछ नहीं मिला. मान है, सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, देश दुनिया का घूमने का मौका और आज एक फ्रीडम लाइफ जीने का मौका. सबसे बड़ी बात यह है फ्रीडम लाइफ. आज एक रिटायरमेंट की तरह मैं जीवन जी रहा हूँ और यहाँ से डोली मैम को मैं डेली सुनता हूँ, जीतू सर को सुनता हूँ, इन सभी लोगों का, सभी पार्टनर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. और ग्रेट गुरु भी हैं हमारे, हम इन्हें अपना आदर्श मानता हूँ. और यहाँ से जो मुझे मिला, आज बात करूँ तो 2019 में जुड़ा था मैं, बट काम करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी कोरोना आ गया हम सबके बीच में. लेकिन कोरोना काल में एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया 29/10/2020 को. इसी बिजनेस में काम करके सफलता को प्राप्त करके डिजायर कार परचेस करने का मौका मिला. और आज अगर बात करूं तो लगभग हाफ करोड़पति के कंप्लीट तैयारी में पहुंच चुका हूं आप सबका साथ सहकार पाकर. और आगे मिलकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट करेंगे हम सब मिलकर, ऐसी आशा करता हूं. और आपने हमें बोलने का जो सुनहरा मौका दिया, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. और कहने को बहुत कुछ है लेकिन हमें सबको सुनना चाहिए, क्योंकि सभी का नॉलेज सुनने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब हम सुनते हैं तो रियलाइज होता है कि नहीं, रियल में यहाँ पर जो भी लीडर बताते हैं सच्चाई बताते हैं. और हम लोग इसलिए सच्चाई बताते हैं कि रोजी और रोटी एक दिन की नहीं होती है, इसलिए हमें ईमानदारी के साथ, मान सम्मान के साथ लोगों को लेकर आगे बढ़ना है और खुद आगे बढ़ते रहना है, जिससे जीवन में आने वाली परेशानी का हम सब मिलकर सामना कर सकें. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मैम. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत कुछ आपसे भी हमें जानने को मिला.